दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फाइटर की रीसेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में अपडेट करेंगे। साथ ही हम आपको एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की बर्थडे सेलिब्रेशंस और अंकिता लोखंडे की न्यू फिल्म के बारे में बताएंगे और फिर हम भूमि पेडनेकर की अपकमिंग फिल्म भक्षक के ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं फिल्म फाइटर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन में बनने वाली ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की फिल्म फाइटर ने दुनिया भर में 240 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म के पांचवीं और छठे दिन कलेक्शन में कमी हुई, लेकिन ये दुनिया भर में वीकडेज में अच्छा परफॉर्म कर रही है। फाइटर ने दुनिया भर में 240 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। ट्रेड एनालिस्ट मनोबल ने अपने ट्विटर पर लिखा कि ये फिल्म जल्द ही दुनिया भर में 250 करोड़ का फिगर क्रॉस कर लेगी। फाइटर ने अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर सिद्धार्थ की पिछली फिल्में पठान और वॉर के जैसा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। फिल्म में करण सिन्हा ग्रोवर और अक्षर ओबेरॉय भी लीड कास्ट में हैं। ये फिल्म पठान के ठीक एक साल बाद 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। फाइटर को फैंस और क्रिटिक्स की तरफ से इक्वल रिस्पॉन्स मिला। रिसेंटली एक्ट्रेस प्रीति झिंटा ने अपनी 49th बर्थडे सेलिब्रेट की। उनके स्पेशल डे के मौके पर शोबिज से ताल्लुक रखने वाले एक्टर्स और उनके दोस्तों ने सोशल मीडिया पर एडोरेबल पोस्ट्स के साथ उनको बर्थडे विश की। एक्स क्रिकेटर युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम पर उनको विश किया। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी प्रीति को हार्टवार्मिंग मैसेज लिखकर विश किया। प्रीति झिंटा अपनी शादी के बाद से लॉस एंजलिस में रहती हैं। उनकी शादी 29 फरवरी 2016 को लॉस एंजलिस में हुई। 2021 में उनके ट्विन बेबीज हुए। प्रीति झिंटा ने बहुत सी ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवीज में काम किया। प्रीति लाहौर 1947 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करेंगी। अब बात करते हैं बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट अंकिता लोखंडे की अपकमिंग फिल्म के बारे में। अंकिता लोखंडे आने वाली फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर में काम करने के लिए तैयार हैं। बिग बॉस 17 के घर से बाहर आने के बाद ये उनका पहला प्रोजेक्ट होगा। उन्होंने ट्यूसडे को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियली अनाउंस किया। ये फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर की बायोपिक है, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। फिल्म को रणदीप हुडा ने डायरेक्ट किया है। रणदीप और अंकिता के अलावा इस फिल्म में अमित सियाल भी हैं। विनायक दामोदर सावरकर एक फ्रीडम फाइटर, एक एक्टिविस्ट और एक राइटर थे और वो अंग्रेजों के साथ लड़े, लेकिन प्रोड्यूसर संदीप सिंह के मुताबिक सावरकर को पूरी तारीख में बहुत से लोगों ने गलत समझा। उन्होंने कहा, ये फिल्म उनके और उनकी कोशिशों के बारे में सच्चाई को जाहिर करेगी। इसके अलावा वेंसडे को भूमि पेडनेकर की अगली फिल्म भक्षक का ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म में भूमि एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले करेंगी, जो शेल्टर होम में लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में इन्वॉल्व लोगों को एक्सपोज करने के लिए निकलेंगी। भक्षक के डायरेक्टर पुलकित हैं। भूमि ने 2015 में दम लगा के हैशा से बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी डिटर्मिनेशन के थ्रू बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, जिसने उन्हें अलग कर दिया। भूमि ने कहा, भक्षक 9 फरवरी को रिलीज होने वाली है। ये मेरे करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म्स में से एक है। पुलकित की डायरेक्शन में बनने वाली भक्षक में भूमि पेडनेकर, संजय मिश्रा, आदित्य श्रीवास्तव और साई ताम्हणकर लीड रोल्स प्ले कर रहे हैं। भक्षक में भूमि पेडनेकर ने वैशाली सिंह के तौर पर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया है। फिल्म 9 फरवरी से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। इसके अलावा भूमि एक फिल्म में रकुलप्रीत सिंह और अर्जुन कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करती नजर आएंगी। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने भी अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का ट्रेलर शेयर किया। तो क्या आप भक्षक देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।